नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैडर में स्लाइगेट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है एंड इसका सेंटर पॉइंट और मार्किंग कैसे की जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को स्लाइगेट लगाने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, मैंने इस चैनल पर सीसीएम कास्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाइपलाइन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लैडर में स्लाइगेट को लगाने के दो तरीके हैं, पहला थ्योरिकल, दूसरा प्रैक्टिकली। थ्योरिकल में हम ड्राइंग की मदद से लैडर में स्लाइगेट को इंस्टॉल करते हैं, और प्रैक्टिकली में जनरली स्लाइगेट का मेजरमेंट लेकर। और दोस्तों, प्रैक्टिकल में आप दो अलग अलग तरीकों से स्लाइगेट को लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि लैडर में स्लाइगेट इंस्टॉल करने के लिए सेंटर पॉइंट की मार्किंग आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जिस मेथड से स्लाइगेट को इंस्टॉल कर रहे हों। दोस्तों, सबसे पहले हम लैडर में सेंटर और क्रॉस सेक्शन की मार्किंग कैसे की जाती है ये जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, क्रॉस सेक्शन और सेंटर पॉइंट को निकालने के लिए हमें कुछ सामान की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पहला लाइन डोरी, दूसरा सेंटर पॉइंट, तीसरा मेजरिंग टेप एंड चौथा एल्युमिनियम स्क्वायर बोर्ड फिनिश। दोस्तों, स्क्वायर बोर्ड फिनिश की जगह आप लोग एंगल भी ले सकते हैं, 65 का हो या 75 का हो, बस ये स्टेड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं से बैंड हो या डैमेज हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, लैडर में मार्किंग करने के लिए सबसे पहले लैडर को पल्टी करा लें, उसके बाद हमारे लैडर में जो दोनों साइड में टूनियन पिंस लगे होते हैं ये वाले, जिससे हम लैडर को हैंगर की मदद से लिफ्टिंग करते हैं, इसका सेंटर निकाल के पंच मार दें, ताकि उसका सेंटर पॉइंट पता हो सके। अब आपके पास जो बोर्ड फिनिश है या एंगल है, उसको लैडर के ऊपर रखकर दोनों साइड पलम को गिरा दें, उसके बाद दोनों टूनियन पिन में जो मार्किंग की है उससे धागा को, जो आपका पलम है उसको मैच करा लें, और ऊपर में जो एंगल आपने रख रखा है या स्क्वायर बोर्ड फिनिश लिया है उसमें राइट एंगल को सटाकर लैडर की बॉटम में पेंसिल से मार्किंग कर दें दोनों साइड पे। उसके बाद मार्किंग को चौक और लाइन डोरी से मार्किंग कर लें। अब आपकी फर्स्ट मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो टेंजेंट लाइन बोली जाती है मशीन की। अब आपको सेंटर मार्किंग करना है एंड मार्किंग के लिए आपको अपने लैडर का सीएफ निकालना होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस। एंड सीएफ निकालने के लिए सबसे पहले लैडर के बॉटम का ओडी यानी कि आउटर डायमीटर चेक कर लें कि वो कितने एमएम का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरे लैडर का जो ओडी है वो 1680 एमएम है। हमारे लैडर का जो ओडी है यानी कि आउटर डायमीटर, अब अगर ओडी को सीएफ में कन्वर्ट करना है तो हमें 3.142 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3.142 जो है हमारा, वो सीएफ निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि सर्कमफ्रेंस। तो दोस्तों, 1680 को 3.142 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर निकलेगा 5 मीटर 278.5। ये हमारे लैडर का सीएफ होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस। अब सीएफ को 4 भाग से डिवाइड कर दें तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1 मीटर 319.6। उसके बाद जो आपने टूनियन पिन से मार्किंग ली है, उस मार्किंग से 4 जगह मार्क कर लें, और मार्किंग करने के बाद उन चारों पॉइंट पे पंच मार दें। हालांकि दोस्तों, दो मार्किंग तो आपके लैडर में ऑलरेडी हो चुकी है, जो आपने टेंजेंट लाइन मारी है, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, बस आपको लैडर में जब 4 पॉइंट को मार्किंग करेंगे
तो उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो आपकी मार्किंग है वो आपके लैडल का जो CF है यानी कि सर्कमफेरेंस वो प्रॉपर बराबर है या नहीं है। कोई कोई लैडल में ये भी प्रॉब्लम होती है कि कोई लैडल का जो बटम होता है वो हल्का सा आउट हो जाता है, अंडर टाइप से हो जाता है ई, तो इसकी वजह से 10-20 mm का डिफरेंस आता है, तो उस जगह पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको मेजर करके मैनेज कर लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं फंसता है। हालांकि ये चार भाग में डिवाइड करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो लैडल है वो प्रॉपर उसका सर्कल बराबर है या नहीं है, बस इसीलिए चार भाग उसको चार में डिवाइड कर दिया जाता है CF निकाल के और चार जगह मार्किंग की जाती है। तो दोस्तों ये हमारे लैडल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि लैडल में मार्किंग कैसे की जाती है, उसका सेंटर पॉइंट और क्रॉस सेक्शन कैसे निकाला जाता है। दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम जानेंगे कि लैडल, टोंडिस और स्लाई गेट का मेजरमेंट लेके स्लाई गेट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो हमारे चैनल पर बने रहें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।